प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले, देश भर में धर्म जाति के निरपेक्ष होकर जनसंख्या का गणन और जनसंख्या को नियंत्रित करने के नारे हम दो हमारे दो की मांग को लेकर शुरू हो गई है। जनसंख्या समाधान पद यात्रा आज प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज के सिविल लाइन में जहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के इस यात्रा पर स्वागत किया गया। पिछले 8 वर्ष से यह अभियान चला आ रहा है, जो देश के 13 राज्यों 300 दिनों तक फैलाया जा चुका। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जो कि पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन चला रहा है। देश के 23 राज्यों में 300 से अधिक जिलों में काम चल रहा है। देश के 125 सांसद इस विषय पर हमारे साथ संबद्ध हैं, समर्थन में। भारत के राष्ट्रपति जी ने भी इस विषय पर हमें बुलाया, बातचीत की इस विषय पर 55 मिनट। आज उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के क्रम में 4 दिसंबर से गाजियाबाद से प्रारंभ हुई यात्रा आज प्रयागराज पहुंची है और 66 जिलों में यात्रा होते हुए अयोध्या जी में इसका समापन होगा। देश में और प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, इस विषय में यात्रा चल रही है। लोगों को ये यात्रा जोड़ रही है, जनजागरूकता अभियान है। सरकार के ऊपर साफ ये कहना है सरकार से कि ये कानून बनना चाहिए और देश में, प्रदेश में ये 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। जी, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ। दायित्व के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरा दायित्व। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रथ यात्रा में और ये बहुत अच्छा ही कार्य है, जिसे हमारी श्रीमती रुचि गर्ग और श्रीमती शिखा खन्ना जी ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, आयोजन किया है और मैं मुख्य अतिथि में आई हूँ यहाँ पे। और ये चीज़ का तो बहुत अच्छा है कि हम दो हमारे इस चीज़ पे रखा गया है, मगर क्या करें, नुकसान तो हमारा किन्नर लोग का है ना इसमें थोड़ा, कि दो ही दो रहेंगे तो हमारा लोग का थोड़ा नुकसान होगा, मगर हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि इसमें कि हमारी बहनों का कि कम संख्या रहेगी बच्चों की तो उनकी परवरिश अच्छी हो सकती है, उनके लिए ये कुछ कर सकते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि आप लोग हम दो हमारे दो ही करिए, तीसरा मत करिए। चाहे दो बेटियां हो चाहे बेटे हो, बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल बेटियां ज़्यादा नाम कमाती हैं भारत में और मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ कि हम दो हमारे दो, इससे ऊपर संख्या मत करिए। अगर ये आयोजन किया गया है और अपनी प्यारी बहनों की तरफ से कि हमारी यही आशीर्वाद है और हमारी यही दुआएं हैं कि हर घर में बेटा हो बेटी हो और किन्नर किसी के घर नहीं होना चाहिए, बेटी बेटा हो और बेटी बेटा नाम कमाए, हम दो हमारे दो। जय श्री महाकाल।